हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने जो है जीन म्यूटेशन कर लिया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कंप्लीट कर लिया, और कल अपन ने जेनेटिक कोड वगैरह यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आपके नेक्स्ट इसमें है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक टॉपिक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और एक है क्लोनिंग। तो तीन टॉपिक इसमें बच रहे हैं। तो इसमें देखो, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये वाला टॉपिक आपका बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है वहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ केवल मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताऊँगी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो एक्चुअली, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई पुलिस वगैरह का केस होता है और वहाँ पे जब क्राइम के लोग बाग जाते हैं तो उनसे कुछ चीज़ों को वो उठाते हैं, तो वहाँ पे उनके फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं। और जब पुलिस वगैरह जाती है तो वो उन फिंगरप्रिंट्स को उठाती है, यानी कि उसमें देखती है कि कैसी उनके फिंगरप्रिंट है। तो ये जो है, ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो 10 फिंगर्स हैं, उन 10 फिंगर्स का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उस पे आपको या तो सर्किल दिखेगा या थोड़ा सा सर्किल ओपन दिखेगा। तो इस तरीके से उसमें दो तरीके के साइन होते हैं। जो सर्किल होता है उसको अपन बोलते हैं चक्र, और जो थोड़ा सा खुला हुआ होता है उसे अपन बोलते हैं शंख। तो इसी तरीके से जब ये, और ये दसों सबके एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए जो है हम इन फिंगरप्रिंट्स से किसी भी क्रिमिनल को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन अब जो क्रिमिनल है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए, तो वो ग्लव्स पहन के जाते हैं या अपने फिंगर के ऊपर कुछ ऐसा लगा लेते हैं जिससे कि उनका फिंगर प्रिंट नहीं आता है। तो उस समय जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपन यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये हम मानते हैं कि लाखों लोगों में जो है एक जैसा डीएनए सीक्वेंस नहीं होता है, इसीलिए फिर हम इस डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू इस चीज़ को करते हैं। तो यहाँ पे केवल मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये दे रही हूँ कि इस तरीके से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसकी जितनी प्रोसेस वगैरह, क्योंकि प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये सारी टेक्निक्स आएंगे जो टेक्निक्स आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। तो फिर पहले सारी चीज़ें इसलिए तो है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर यहाँ पे है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पर जो दे रखा है उसमें क्या है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आप पढ़ने से पहले आप ये मान के चलो कि ये हमारी बायोलॉजिकल, जैसे अपन बच्चा वगैरह होता है जब कुंडली बनाते हैं, तो उसी तरीके से ये बायोलॉजिकल कुंडली है। और इसमें जितने डीएनए हैं हमारे, उन डीएनए का जो सीक्वेंस है उस, या वो अनुक्रम है, उस अनुक्रम को लिखा जाता है। अब ये आप देख लो। और ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखो तो 1990 में ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था, और जाके कब खत्म हुआ, ये खत्म हुआ है इसमें 13 साल लगे, तो लगभग जो है ये 2013 में जाके खत्म हुआ, 2003 में जाके खत्म हुआ। तो ये 13 साल जो है ये प्रोजेक्ट चला। और इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ये महापरियोजना थी। क्यों परियोजना थी? क्योंकि इसमें 18 कंट्रीज की 250 लैब्स लगी थी। और चलो ये भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखो कि अगर हम एक ह्यूमन का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में लगभग जो है 3,000 के आसपास बुक्स लगती हैं। और उन 3,000 बुक्स में जो, अगर एक बुक आप देखो तो एक बुक में 1,000 पेज होंगे। तो आप देखो कि एक ही जो प्रोजेक्ट बनाने में, या एक ही ह्यूमन को प्रोजेक्ट करने में इतना टाइम, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा डॉलर्स में जो है, मिलियंस डॉलर में इसमें खर्चा होगा। तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे? हमें तो पंडित जी 100 रुपये में कुंडली बना देते।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट इतना मेगा होने के कारण, इतना बड़ा होने के कारण में ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले यही है कि भाई किसने करा, तो अगर हम देखें तो जेम्स डी वॉटसन, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, और फिर बाद में क्योंकि 13 साल चलाए तो बाद में फ्रांसिस कॉलिंस ने इसको करा। हालांकि इसके जो ऑब्जेक्ट थे वो बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें पता लग जाए कि हमें कौन कौन से डीएनए हैं, कौन कौन से जीन हैं, वो जीन क्या काम करते हैं। तो ये मतलब ये इसका उद्देश्य ये था कि अगर हमें सब पता लग जाता है तो हम फ्यूचर भी पता कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। अब देखो इस प्रोसेस में दो मेथड उन्होंने यूज़ किए थे। एक मेथड जिसको हम बोलते हैं अनुक्रम घुंडी या एक्सप्रेस सीक्वेंस टेस्ट। तो ये जो है पहली वाली मेथड है, जिस मेथड में जो है जितने हमारी बॉडी में आरएनए, डीएनए, ध्यान रखना डीएनए इसमें नहीं लेंगे, हम आरएनए लेंगे। क्यों आरएनए लेंगे? क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हो कि जो कोड है वो कोड किस रूप में आता है, डीएनए से आरएनए। तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आ रही है, आरएनए के थ्रू आ रही है। इसलिए जो टैग हैं वो टैग भी किसके बनाए जाते हैं, आरएनए के टैग बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है उसमें यूज़ किया गया आरएनए, और उसकी सारी चीज़ें पता करने के बाद में भाई क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरीके से उसको यूज़ किया हुआ। और जो दूसरा वाला है वो है अनुक्रम टिप्पण, या इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसमें क्या होता है कि हमें जो कोडिंग हो रही है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसमें किस तरह के कोड बन रहे हैं, ये सारे कोड, टिप्पण मतलब होता है किसी चीज़ को छापना, तो ये सारे के सारे जो डुप्लीकेट उसके तैयार हो रहे हैं या कोड तैयार हो रहे हैं या सीक्वेंस तैयार हो रहे हैं, तो इन सबको यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैक और येक, BAC और YAC, इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यानी कि हम ऐसे बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं जिसमें हम अपने क्रोमोसोम डाल रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल यहाँ पर तैयार किए। और उसी तरीके से हमारे पास में दूसरा क्या है, येक, येक यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये दो हमारे पास में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये दो मेथड हो गए। फिर उसके बाद में कुछ इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनमें आ जाता है कि जैसे मान लीजिए मानव, किसी ना किसी की तो ह्यूमन का प्रोजेक्ट तैयार हुआ ही है, तो उससे हमने क्या क्या, हमें कुछ कुछ कंक्लूजन जो है यहाँ पे मिल गए कि हम ये मानते हैं कि ह्यूमन जीनोम, जो मानव जीनोम है, उसमें 3165.7 मिलियंस नाइट्रोजन बेसिस हैं। ये देखो इतना सारा इसमें नाइट्रोजन बेस, अभी तो हम चार ही को याद करते हैं, इतने सारे क्वांटिटी में है। उसके बाद में कि हम जो जीन की बात करते हैं तो एक जीन में लगभग 3000 बेसेस होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि तीन मिलके एक कोड बनाते हैं, तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा होगा। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन में अक्सर आती है कि हमें सबसे बड़ी जीन कौन सी है, सबसे बड़ी जीन है डिस्ट्रोफिन, और इसमें जो है लगभग 2.4 मिलियंस नाइट्रोजन बेस मिलते हैं। और अगर हम छोटे की बात करें तो वाई क्रोमोसोम है, वो क्रोमोसोम का जो जीन है वो सबसे छोटा होता है। फिर उसके बाद देखो कि अभी जितने अगर हम देखें तो पहले हम कहते थे कि पता नहीं 1,80,000 कितने जीन्स हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारे जीन जो हैं लगभग 30,000 के आसपास जीन्स हैं। और इन जीन्स में भी हम ये मान के चलो केवल 50% को ये भी एग्जामिन कर पाए, बाकी को हम एग्जामिन नहीं कर पाए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ इस से जो है चीज़ें हमें निकल के सामने आई।
अब हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दो टॉपिक हैं, ये इतने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आपका बायोटेक्नो तो उधर के लिए इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें आप सिर्फ कुछ चीज़ें कि भाई किसने डिस्कवरी करी, क्यों की, तो ऑब्जेक्ट हो गया, मेथड हो गया, फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान ही ज़्यादा हुआ, तो ये फ्लॉप भी हो गई, उसको बंद भी कर दिया गया, ठीक है ना। अब अपने पास में आती है क्लोनिंग, जो लास्ट टॉपिक है क्लोनिंग, और ये इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो क्लोनिंग क्या होती है कि जब ये मान के चलिए अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें हीरो का डुप्लीकेट होता है, यानी दोनों बिल्कुल एक जैसे। तो यहाँ पर क्लोन क्या है, 100% सेम। और ये जो है, जो आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट में पढ़ते हो, तो उसमें देखते हो कि क्लोन तैयार हो रहा है। तो क्लोन तैयार होने का मतलब कि जो ए सेक्सुअल में हम 100% सेम रखते हैं, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियली जो है इन क्लोन्स को तैयार किया गया, और इन क्लोन्स को तैयार करने के लिए हमारे पास में दो टाइप्स हैं इसके, जीन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग। और जीन क्लोनिंग में क्या है कि हम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है एक जीन, जैसे इंसुलिन है उसका जीन बनाना है, तो हमने जो ईस्टिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये भी आपके बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, उससे हम लाखों की संख्या में उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास में है एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग में जो है बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर ये मान के चलिए कि दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो क्या है कि ब्लास्टोमियर सेपरेशन, ठीक है ना, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है और वो जायगोट डिवाइड होता है। जायगोट एक सेल है, वन यूनिसेल स्ट्रक्चर है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ स्ट्रक्चर तक भी ये रहता है, तब इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोला। और इस समय अगर इसकी आठों सेल अलग हो जाएं तो हमें आठ बच्चे मिलेंगे, ये मान के चलिए, जैसे ट्विन्स फॉर्मेशन होता है, तो अपने पास में ये, तो क्यों नहीं, अगर हमें ये प्रोसेस करना है तो हम ब्लास्टोमियर्स में से जो उसकी आठ सेल हैं उनको अलग अलग कर लें, तो एक की जगह हमें आठ जो है ऑफस्प्रिंग मिल सकती है। तो ये सिंपल सा है। फिर हमारे पास में सेकंड इसका प्रोसेस है न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, और इसी टेक्निक से अगर आप लोग थोड़ा सा जीके में ध्यान रखते हो तो डॉली फॉर्मेशन किया गया था, एक शीप बनाई गई थी डॉली फॉर्मेशन की, और ये जो शीप है, इस शीप को बनाने के लिए ये जो है डॉक्टर इयान विल्मुट, इन्होंने बनाई थी, और 1996 में जो है ये बन के आ गई थी। लेकिन इसमें भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी कि जिस मदर से, अब पहले मैं इसको प्रोसेस बता दूं फिर इसकी वो बताऊंगी, कि यहाँ पे हमने पहले दो सीप ली फीमेल, एक डोनर फर्स्ट और डोनर सेकंड, इसकी तो हमने एग सेल ली, अंडे की सेल ली, और इसका हमने जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उसकी एक सेल ली, और उसमें से न्यूक्लियस निकाल लिया, सेल को पूरी को नहीं लिया, तो इसका तो आउटर हो गया और इसका इनर हो गया, तो हमने एक जायगोट बना लिया। अब इस जायगोट को पहले तो बाहर ब्लास्टोमियर में चेंज किया, फिर उसके बाद में तीसरी जो है उस शीप की यूट्रस में उसको शिफ्ट कर दिया, तो उसका पूरा डेवलपमेंट का हुआ तीसरी। तो यहाँ पे तीन मदर हो गई, एक से हमने उसकी सेल ली, एक से हमने उसका न्यूक्लियस लिया, दोनों को फर्टिलाइज किया, और तीसरे में उसको डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद में 5 जो 5 जुलाई 1996 को ये डॉली का बर्थ हुआ। और ये डॉली जो है फर्स्ट क्लोन थी, और यहाँ पर हालांकि सक्सेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिस मदर से इसको लिया था उस मदर में उस समय जब वो सेल निकाली गई थी उसको जॉइंडिस था, यानी कि उसको पीलिया या इस तरह का डिजीज था, तो उस वजह से वो कैरेक्टर उस सेल में भी था, तो इसकी वजह से जो है वो डॉली ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई और मुश्किल से 1-1.5 साल में उसकी डेथ हो गई। तो ये है कि जब हम सेल ले रहे हैं तो उस सेल में कोई कैरेक्टर, ऐसा बैड कैरेक्टर आ सकता है और वो उसको डेवलप कर सकता है। फिर यहाँ पे एक और क्लोन है नूरी। अब ये जो नूरी है, ये नूरी हमारे इंडिया में बनी थी, और इसमें हमने
पश्मीना, पश्मीना एक वूल होती है, बहुत अच्छी वूल मानी जाती है जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो इसमें ये जीन एंटर करा के हमने जो है इस नूरी को तैयार किया गया, और ये है 2012 में कश्मीर में इसका बर्थ हुआ था। तो ये इससे इसीलिए मैं इसकी आपको फोटो भी या भेज रही हूँ। तो ये है थर्ड है इसमें होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक है ये, जेबी गोल्डन ने दी थी, आपके आगे दी हुई है। इन्होंने क्या करा था कि एक एक्सेल ली, ये इन्होंने फ्रॉक पे काम किया था, और उसके फ्रॉक पे एक तो एक्सेल ली और उस एक्सेल से न्यूक्लियस हटा दिया, और उसकी जगह उसी की वेजिटेटिव सेल यानी कि जैसे जो एपिथेलियम सेल होती है उस सेल के न्यूक्लियस को उसमें ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद में जो है नए टेडपोल बने, और वो नए टेडपोल जिसकी एपिथेलियम सेल थी उसके जैसे ही 100% सेम थे। तो ये जो है होनोलुलु टेक्निक, ये टेक्निक को यूज़ किया गया आगे जाके, और इसमें जो है माइस फॉर्मेशन जो है चूहों को बनाया गया, और इस तकनीक से जो है 50 माइस तैयार की गई, और इन जो क्लोन है इन क्लोन्स को क्या कहा गया, क्यूमुलस। तो ये एक और क्लोन है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं क्लोनिंग के, उनके आपको मैं डायग्राम भी भेज रही हूँ और वैसे भी आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें, अब इसमें इसके यूजेस क्या हैं क्लोन के, क्लोन के यूज जो हैं वो ये है कि जैसे मान लीजिए अभी कुछ समय बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स तैयार किए जाएं, जैसे किसी की किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे रिलेटिव की होनी चाहिए, फिर रिलेटिव दे या नहीं दे। तो इस तरीके से जैसे हम बाजार में जाते हैं वैसे ही हमें जो है इस तरीके के ऑर्गन मिलने लगे कि किसी को किडनी चाहिए तो किडनी मिल गई, लिवर चाहिए तो लिवर मिल गया। तो ये जो टेक्निक है ये टेक्निक हम क्लोनिंग से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है अपने इसमें तो नहीं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो बहुत सारी जो है क्लोनिंग से तैयार किए गई, ऐसे एक रोजी जो है काऊ तैयार की गई, वो रोजी क्या है कि उसमें ऐसा जीन एंटर कराया गया जिससे कि उसमें फीमेल जो अपने ह्यूमन फीमेल है उसका लैक्टा पोरफिन अभी आपके इसमें नहीं है, लेकिन इस तरीके का प्रोटीन उसमें डेवलप किया गया। फिर उसके बाद में जो है कुछ बीमारियां हैं उन बीमारियों के इलाज इसके थ्रू किए गए। कुछ हमारे पास में ऐसी जैसे अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज हैं वो तैयार की गई। तो इस तरीके से आज आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और ये थोड़ा सा क्या लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा दे रखा है, पर इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं वही आपको उसमें तैयार करनी है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।